आज हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले जो वीडियो पढ़े थे फैक्टर एंड मल्टीपल एक्सरसाइज टू ए का इग्राह नंबर क्वेश्चन है एलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट आर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है कैन बी कंपोजिट बी ओड मतलब क्या कंपोजिट नंबर सिर्फ ओड होते हैं ईस्ट यस अगर ऐसा है तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर बताइए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए ठीक तो कंपोजिट नंबर होता क्या है पहले तो इसकी परिभाषा समझिए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर नो एज कंपोजिट नंबर कम से कम दो नंबरों से वो विभाजित हो जाए और अधिकतम तीन से विभाजित तो उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं ठीक है तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर ठीक है कंपोजिट नंबर इसमें कम से कम तीन संख्याओं से स्वयं वन स्वयं और एक और संख्या से अगर विभाजित हो उसी को ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं जैसे फोर फोर हो गया सिक्स एट एंड नाइन टेन एंड ट्वेल्व एंड फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है तब देखिए इसमें सबसे अभी तो हो समझ में आ गया कि वाट आर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो इनको देखिए फोर फोर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह एक से भी कट जाएगा वन से फिर टू से और फोर से इसको भी ले लीजिए सिक्स को इसको डिवाइड करेंगे तो वन से टू से थ्री से सिक्स से मतलब कम से कम दो और तीन मतलब एक स्वयं और दो के अलावा किसी और भी संख्या से कट रहा है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं ठीक तो ये हमारी कंपोजिट हो गई ये समझ गए अब रहा है कैन बी कंपोजिट बी ओल्ड क्या कंपोजिट नंबर सिर्फ ओल्ड ही होगा नहीं नो तो इसका आंसर होगा ये दूसरे का इसका होगा आंसर नो ठीक है दूसरे का और तीसरा दिया कि If yes, yes, अगर है तो छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है ओड में ओड पूछ रहा है ओड मतलब बीसम बीसम में तो सबसे छोटा देखिए ये सम हो गया ये भी सम है एट भी सम है ये जो है हमारी नाइन संख्या है इसमें तीसरी जो बात कर रहा है वह हमारी नाइन होंगी यह नाइन ओड कंपोजिट नंबर सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर ठीक है अब अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बारह ठीक है यह क्वेश्चन है वाट आर ट्वींस प्राइम राइट आर द पेयर ऑफ ट्वींस प्राइम बिटवीन फिफ्टीन एंड हंड्रेड ट्विंस प्राइम होता क्या है टू कनेक्टिविटी ओड प्राइम नंबर आर नो आर ट्वींस एज ट्विन प्राइम पेयर ऑफ अ प्राइम बिटवीन वन टू हंड्रेड कुल मिला करके टोटल मिला करके आठ होते हैं प्राइम मतलब कोई ऐसी संख्या जो ट्विंस प्राइम किसको कहेंगे तो ये समझिए ट्विंस प्राइम जो ओड संख्या हो और नंबरिंग एक के बाद एक अंतर हो तो वो है पहला तो ये समझिए कि कौन है ट्विंस प्राइम ट्विंस प्राइम जैसे थ्री और फाइव ठीक है फाइव सेवन ठीक है ये ट्वेंस प्राइम है फर्स्ट ट्वेंस प्राइम मतलब इन दोनों में अंतर एक होगा मतलब एच सी एफ एच सी एफ जो होगा वन होगा वही ट्वेंस प्राइम है ठीक फिर हम लोगों का एलेवन और थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ठीक है ट्वेंटी नाइन थर्टी वन फोर्टी वन फिर से फोर्टी थ्री फिफ्टी नाइन से सिक्सटी वन सेवेंटी वन और सेवेंटी थ्री ऐसे हमारे जो होंगे वो ट्विंस प्राइम है तो इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द ट्विंस प्राइम ट्विंस प्राइम होता क्या है मतलब एक का अंतर हो ठीक है ट्विंस प्राइम में वन ओड नंबर जो एक का अंतर हो ठीक है एक का अंतर हो तो उसी को हम लोग ट्विंस प्राइम बोलते हैं ठीक और इसका निकालना है कि राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विंस ट्विंस प्राइम बिटवीन फिफ्टीन एंड हंड्रेड यानी कि फिफ्टीन से हंड्रेड के बीच यानी कि पचास से और सौ के बीच में जो ट्विंस प्राइम है वो कितने हैं तो देखिए ये फिफ्टी नाइन है और ये सेवेंटी थ्री सेवेंटी वन और सेवेंटी थ्री यानी कि हमारे पास दो ट्विंस हैं ट्विंस प्राइम बिटवीन है टू ट्विंस प्राइम प्राइम्स नंबर हैं ठीक है थेका? ये एक हो गया एक दो हो गया यही आंसर होगा हम लोगों का ठीक है यहाँ तो समझ में आ गया कि ट्विंस प्राइम क्या है ट्विंस प्राइम वो सम टू कनेक्टिविटी मतलब टू कनेक्टिविटी हो जिसमें अंतर वन हो उसी को हम लोग ट्विंस प्राइम बोलते हैं ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे तेरह नंबर क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर को प्राइम को प्राइम क्या होता है गिव अ फाइव पेयर को प्राइम ठीक है तो क्वेश्चन को प्राइम क्या कह रहे हैं देखिए को प्राइम वैसा को प्राइम हिंदी में उसको हम लोग अभाज्य बोलते हैं वैसा टू नंबर्स मतलब टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नाट हैव कॉमन फैक्टर देन मोर अदर देन वन मतलब अगर को प्राइम कोई दिया हुआ है सह-अभाज्य इसको हिंदी में हम लोग अभाज्य बोलते हैं सह-अभाज्य ठीक है इन दोनों पेयर में अगर को प्राइम का मतलब कि दो संख्या दिया हुआ हो और उन संख्याओं में उन दोनों संख्याओं का हCF, than, उसका पैक फैक्टर वन हो उसी को ही हम सह अभाज्य कहते हैं जैसे एग्जांपल देख लीजिए एग्जांपल ठीक है टू और थ्री ये दोनों का जो टू पेयर है टू नंबर टू और थ्री जो दो डिजिट हैं इन दोनों में कोई फैक्टर ना हो और उनका फैक्टर कामन वन हो कामन फैक्टर जो हो वन हो तो इनका दोनों में कामन फैक्टर वन ही होगा ठीक है अब हम लोग थ्री फोर देखते हैं थ्री फोर को प्राइम मतलब पहले तो हम लोग को ये जानना है कि प्राइम नंबर क्या है तो प्राइम नंबर वो चीज़ है जिसे स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे उसी को हम लोग को प्राइम कहेंगे तो देखिए ये स्वयं और वन से कटेगा इनका जो एच सी एफ होगा एच सी एफ फैक्टर जो होगा एक होगा ठीक है आपस में इन दोनों का एच सी एफ वन होगा उसी तरह से एग्जाम्पल एक है कि फाइव पेयर बताना है तो पहला पेयर हम लोग का हो गया दूसरा पेयर हो गया तीस फोर फाइव चौथा हो गया फाइव सेवन और पाँचवा हो गया सेवन एलेवन इनमें कोई संख्याएं कामन नहीं होने से ये को प्राइम हैं। है इनमें देखिए दो, दोनों में कोई में कामन संख्या नहीं है सिर्फ कामन संख्या वन हो उसी को ही हम को प्राइम कहते हैं ठीक है हमारा एग्जाम्पल ऐसे हो गया ऐसे भी लिख सकते हैं मान लीजिए छठा हो गया एट फिफ्टीन इसको हम लोग कभी कट इसका जब भी होगा हम लोग का को प्राइम तो वन होगा ठीक है तो ये हमारे पांच एग्जाम्पल छः एग्जाम्पल हो गए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौदह है क्वेश्चन चौदह एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम ये जो संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं को ओड संख्या से दो टू टू मतलब दो दो संख्याओं को योग करके कैसे बनाया जा सकता है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर मतलब थर्टी सिक्स फोर्टी टू एट्टी फोर नाइन्टी एट इन संख्याओं को दो ओड प्राइम मतलब बीसम संख्या को योग करने से छत्तीस कैसे बनेगा थर्टी सिक्स कैसे बनेगा तो देखिए ओड प्राइम क्या होता है तो ओड प्राइम ये है जो विषम होता है तब इनको हम लोग दो पार्ट करेंगे पहले देखिए छत्तीस क्वेश्चन नंबर वन है छत्तीस को दो पार्ट करेंगे अगर हम लोग एक सेवन हो गया तो इसमें से सेवन घटा देंगे तो हमारी दूसरी हो जाएगी ट्वेंटी नाइन तो ये प्लस हो गया हमारा थर्टी सिक्स तो आंसर ये हो गया ठीक है सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन बराबर थर्टी सिक्स इज्कल टू थर्टी सिक्स दूसरे का देखिए फोर्टी टू फोर्टी टू का कौन सा ऐसे दो ओड प्राइम को अगर योग करें तो हमारी संख्या वो फोर्टी टू आ जाए तब देखिए इस बयालीस को फोर्टी टू को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं पहला तो हो गया हमारा थर्टीन ओड ओड हो गया प्राइम प्लस ट्वेंटी नाइन एक ये हो गया और दूसरा हो गया इसी में मतलब आंसर टू हो गया आंसर वन और आंसर टू इसको हम हम लोग फाइव प्लस थर्टी सेवन भी योग करेंगे तो हम लोगों का फोर्टी टू आ जाएगा अब इनको ले लेते हैं थ्री को एट्टी फोर नंबर को तब तो हम लोग उसको सिक्स सेवेंटी प्लस सिक्स सेवन योग करेंगे तो देखिए सात सात चौदह वन और छः एक सात एक आठ चौरासी हम लोग को संख्या आ जा रहा है अब तीस चौथा हो गया नाइन्टी एट इन संख्या को योग करेंगे कौन कौन सी संख्या योग करेंगे कि हमारी वो संख्या आ जाए तब हमारी वो संख्या पहले देखिए कि सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री और 79 नाइन ये तीन हम लोग का प्राइम नंबर हो गया तो उसके बाद से और का जोड़ेंगे तो नाइन्टी सेवन भी है तो नाइन्टी सेवन के साथ वन प्राइम हमारा नंबर नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे कि सेवेंटी नाइन प्लस नाइन्टी योग करेंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी नाइन्टी एट ठीक है तो ये हमारी ये संख्याएँ कह रहा है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम कौन सी दो संख्या प्राइम संख्या से योग करने पर यह संख्या आ जाए थर्टी सिक्स फोर्टी टू एट्टी फोर एट्टी नाइन नाइन्टी एट तो हमारी वो संख्या आ गई पहले के लिए छत्तीस के लिए थर्टी सिक्स के लिए सेवन प्लस टू नाइन टू थर्टी सिक्स इसके लिए फाइव प्लस थर्टी सेवन इजकअल टू फोर्टी टू या थर्टीन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस इजकल टू फोर्टी टू ठीक है एट्टी फोर के लिए भी सेवनटीन प्लस सिक्सटी सेवन इजकअल टू एट्टी फोर हो गया और चौथे के लिए नाइन्टी एट का नाइन्टी एट बराबर सेवेंटी नाइन प्लस नाइनटीन इजकल टू नाइन एट अंठानवे ठीक है ये हमारा चौदह नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह है एक्सप्रेस इच एक ऑफ एक द फॉलोइंग ओल नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ओड प्राइम नंबर इनको जो संख्या दिया हुआ है थर्टी वन थर्टी फाइव फोर्टी नाइन सिक्सटी थ्री को योग करना है किस नंबर से तो थ्री ओड प्राइम नंबर से थ्री ओड प्राइम नंबर से तब क्या होगा थ्री ओड मतलब ओड मतलब विषम संख्या है जो विषम संख्या हो और वो भी प्राइम हो और वो तीन संख्याओं के योग से ये बना हो तब हम लोग इसको बनाएंगे आंसर देखिए थर्टी वन है फर्स्ट के लिए अगर हम लोग थर्टी वन में इजकल टू अगर फाइव पहले करेंगे फाइव और प्लस सेवन सात पाँच बारह और बारह इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का बच जाएगा उन्नीस यानी कि उन्नीस प्लस सात छब्बीस और पाँच इकतीस थर्टी वन आ गया हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका देखिए थर्टी फाइव का इसमें क्या जोड़ें तो ये हमारी फाइव प्लस सेवन और प्लस टू थ्री तेईस तेईस जोड़ देंगे तो सात पाँच बारह तीन पंद्रह और बीस पंद्रह बीस पैंतीस ठीक है ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हम लोगों का फोर्टी नाइन अब देखिए इनको कौन सा ऐसा प्राइम वोड प्राइम नंबर को जोड़े जो तीन पेयर में बने और तीन पेयर योग करने पर हमारी फोर्टी नाइन संख्या है तो पहला नंबर तो ये जानिए थ्री होगा प्लस फाइव और फोर्टी वन देखिए फोर्टी वन प्लस फाइव फोर्टी सिक्स और थ्री फोर्टी नाइन ठीक अब हम लोगों का चौथा क्वेश्चन हो गया सिक्सटी थ्री इसको देखिए कैसे हम लोग जोड़ेंगे तो फिफ्टी सेवन हम लोगों का है अगर हम लोग जोड़ेंगे जैसे मान करके के लिए सिक्सटी थ्री को फिफ्टी सेवन प्लस और दो अगर जोड़ेंगे तो ओड संख्या पूछ रहा है तो ओड थ्री तो सेवेंटी हो जाएगा अब प्लस थ्री ये भी हो सकता लेकिन थ्री अंक से ये तो हम लोग का दो ही अंक हो गया ना तो ये तो सेम हो गया तब इसको हम लोग ऐसे करेंगे सेवन प्लस थर्टीन और प्लस फोर्टी थ्री इसको जोड़िए सात और तेरह बीस और बीस और बीस और चालीस और बीस साठ तीस तिरसठ ठीक है ये हमारी वो संख्या हो गई सम थ्री ओड प्राइम नंबर को योग करके ये थर्टी वन थर्टी फाइव फोर्टी नाइन सिक्सटी थ्री करना है तो हमारी वो संख्या आ जा रही है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्सटी नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम ट्विन्स प्राइम मतलब एक का अंतर हो वो ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो हमें एक का अंतर हो उन्हीं को यो करके सम मतलब सम करके हम लोग ये संख्या बनाएंगे तो कैसे बनेगा ठीक है तो इसका आंसर होगा थर्टी सिक्स ट्वेंस प्राइम करना है हम लोगों को तो ट्विंस प्राइम मतलब कौन सा देखिए ट्वेंस प्राइम एक होता है ट्विंस प्राइम ठीक है एक तो होगा हम लोगों का थ्री फाइव फाइव सेवन ठीक है एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन फिर ट्वेंटी नाइन थर्टी वन ये हम लोग का ट्वेंस प्राइम है इतना ध्यान रहे ट्वेंस प्राइम मतलब इन दोनों बीच में वन का अंतर हो डिफ्रेंस हो ठीक है तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इसमें देखिए और सत्रह और उन्नीस उन्नीस दोनी अड़तीस है घटा देंगे तो हमारी इसमें से संख्या आएगी तो अट्ठारह तो अट्ठारह दूनी छत्तीस यानी कि हमारा पहला संख्या हो गया सेवेंटी प्लस नाइन्टी बराबर थर्टी सिक्स दूसरा क्वेश्चन देखिए एट्टी फोर क्या तब देखेंगे इसको हम लोग तो ये हो गया थर्टी वन फोर्टी वन टू फोर्टी थ्री ये ट्वेंस प्राइम है फिर फिफ्टी नाइन प्लस सिक्सटी वन इनको जोड़ेंगे तब देखिए ये देखिए इसमें एट्टी फोर को देखिए तो फोर्टी वन और प्लस फोर्टी थ्री को योग करेंगे तो हमारी संख्या एट फोर्ट आ जाएगा एट फोर ठीक अब वन ट्वेंटी को देखते हैं तो देखिए नाइन वन टेन सिक्स वन छः पच ग्यारह एक बारह एक सौ बीस इसका मतलब कि ये हमारी टें संख्याएँ हैं तीसरा का फाइव नाइन प्लस सिक्स वन बराबर वन ट्वेंटी अब एक सौ चवालीस को देखिए इसके बाद से हम लोगों का ट्विंस होगा सेवेंटी वन प्लस सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री तब हम लोग इनको योग करेंगे देखिए फोर और साथ साथ चौदह एक सौ चवालीस यानी कि हमारा वो संख्या आ जाएगी चौथे एक सौ चवालीस को सेवन वन प्लस सेवन थ्री को योग करेंगे तो हमारी वो संख्या आ जाए ठीक अब हम लोग एक्सरसाइज टू ए एक खत्म कर चुके हैं अब हम लोग पढ़ेंगे टू बी के विषय में ठीक है तो अगले वीडियो में देखते हैं धन्यवाद